नमस्ते आंटी। रुको मैं आती हूँ। तेरे संग यारा अख लड़ने लगी, अख लड़ लड़के यारा लड़ने लगी, ओ दिल पे लगा। बैठ जाओ भाई, ला। तीन प्लेट गर्मा गर्म मटर चाट लेके आ जा। जल्दी जाओ। एक्चुअली रेस्टोरेंट बंद हो चुका है। जाओ बेटे, लेकर आओ। देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ ना, रेस्टोरेंट बंद हो चुका है और वैसे भी आप जैसे लोगों की जगह नहीं है। भाई आप जैसे लोगों से क्या मतलब है तेरा है? बेटे औकात में रहियो, जानता है कौन हूँ मैं? देखिए समझ नहीं आ रहा तुझे? मैं कह रहा हूँ ना जाइए यहाँ से। मैं तेरी तो गोली जाएगी ना खोपड़ी में, सारी हेकड़ी निकल जाएगी, समझा? मटर चाट लेकर आ जा। किचन बंद है। अरे तो खोल दो जी, यहाँ कोई ऐसा कांड ना हो जाए कि आपका ये रेस्टोरेंट हमेशा के लिए बंद हो जाए। इसे अंदर रखिए। ओए, पुलिस को कॉल करने की गलती तो नहीं कर रही? तीन प्लेट मटर चाट, नहीं नहीं रुको, छह प्लेट मटर चाट लेकर आना पार्सल जल्दी। जी मैडम, अभी लेकर आता हूँ। किचन बंद हो चुका है लेकिन रेस्टोरेंट के अंदर आए हैं तो खाली पेट नहीं जाएंगे आप। मंगाओ मंगाओ। दीदी काम ज्यादा हो तो मैं हाथ बटा दूं? नहीं नहीं शंकर, तुम जाओ, शंकर जी को कहना ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगी। हाँ ठीक। प्री में खाने नहीं आए हैं समझे? प्रसाद का तो कोई मोल नहीं होता ना, समझे? माता के भंडारे का प्रसाद है और आपके पैसे शराब की जगह किसी अच्छी जगह खर्च हो सकते हैं ना। हमारा ना ज्ञान सुनने नहीं आया मैं, ले अपने पीछे चलो रे। हमारा मूड खराब कर दिया शराबी डेंजरस मैन, देर रात आपके रेस्टोरेंट में घुस गए, आपको जरा से भी डर नहीं लगा? जिस माँ की जवान बेटी घर से भागने के लिए तैयार हो उस माँ को और कोई डर डरा नहीं सकता। निक निक निक, आई होप कि तूने शादी के लिए एक दो ट्रेडिशनल वेयर रख लिए। मैंने तुझसे कहा है ना हम शादी अटेंड नहीं कर रहे। आई नो बट इफ एवरीथिंग इज सॉर्टेड नो ड्रामास, तो शादी अटेंड कर सकते हैं ना। फाइन फाइन फाइन, ठीक है तू आराम से बोल, कोई सुन लेगा? तुझे पता है नहीं हमारी सीक्रेट है। डोंट यू थिंक बच्चों को तुझे एक ना एक दिन सारी सच्चाई बतानी पड़ी? नहीं बच्चों को नहीं बताएंगे, दे वोंट अंडरस्टैंड। प्लीज मैं जब इंडिया पहुंच जाऊंगा ना फिर हम डिसाइड करेंगे उन्हें कैसे इन्वॉल्व करना है। ओके लेट्स गो। ओके बट द मेन पॉइंट इज कि तू शादी में पहनने वाला क्या है, इंडियन या वेस्टर्न? शादी आई थिंक तुझ पर शेरवानी बहुत ही कूल लगेगी। नहीं नहीं जरूरत नहीं है। अरे फिर भी ले लेना यार, लड़की वालों को भी अच्छा लगना चाहिए, दूसरों के घर की शादी होती है तो बात अलग है। फाइन फाइन फाइन, ठीक है तू आराम से बोल, कोई सुन लेगा? व्हाट द हेल, शादी कर रहे हैं? नहीं चल इंडिया से ले लेंगे चल। डैम मैं अपना टैब भूल गया यार, मैं अभी लेकर आया, जस्ट वेट जस्ट वेट। अरे डैड के फोन में ट्रैकर लगा दे, पता तो चले कि कहां जा रहे हैं। बुआ, I need to talk to you urgently. बू से direct बुआ, stress क्या है? अरे tab पर location tracker डालना पड़ा, imagine the stress. But why? Dad शादी कर रहे हैं बुआ. What? पैसों के साथ उम्मीदें बचा कर रखी है मैंने इन बरनियों में, उम्मीद कि अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी कर सकूं, उम्मीद कि उनके सपनों को पंख दे सकूं। अब तुम बता विशान, इन्हें जमा होने के बाद मुझे क्या करना चाहिए? बरखा की पढ़ाई उसके करियर पे लगाना चाहिए या फिर उसकी शादी की धूमधाम में खत्म कर देना चाहिए? शादी के बाद जिस रास्ते पर चलकर मेरे पैरों में छाले पड़ गए उस रास्ते पर मैं बरखा को नहीं चलने देना चाहती। आंटी इन बर्नों को भरने की मेहनत हो या इन ड्रंक कस्टमर से डील करने की हिम्मत, हैट्स ऑफ टू यू। सैड है कि बरखा आपको छोड़कर जाना चाहती थी, पर मैं एक बेटे की तरह समझ सकता हूँ, देख सकता हूँ कि आप जितनी स्ट्रांग है उतना ही पेन है आपके अंदर। इन सब कॉम्प्लिकेशंस की वजह क्या है? बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें जाना चाहिए। Excuse me, sir. I'm a huge fan of yours. It's a privilege to have you here, sir. In that case, हमें क्या privileges मिलेंगे आपके इस flight में? Excuse me, sir. This is. Please pass it to him. Thank you. दिल तोड़ दिया ना बेचारी का, तुझसे बात करने आई थी और तूने भाव का भाव भी नहीं दिया। कौन? तेरे लिए लोग प्यार में बिछे पड़े और तुझे फील ही नहीं हो रहा है।
ये एयर होस्टेस और कौन? कम से कम ये तो सीख कर जाएगी ना कि जिंदगी में किसी के प्यार में बिछने की जरूरत नहीं है, लोग परवाह नहीं करते हैं। सुभान अल्लाह। शैंकी, तू उस लड़के की फैमिली के बारे में पता कर। किस लड़के की? बरखा जिस लड़के से शादी करी है उसकी उसकी फैमिली कैसी है, कौन है वो? इमेजिन, बरखा इज जस्ट 18 यार, जस्ट 18 इयर्स ओल्ड, 3 मंथ्स एंड 16 डेज। यार तू तो चलता फिरता कैलेंडर बन गया भाई। आई डोंट थिंक शी इज मैच्योर्ड एनफ टू गेट मैरिड यार। आई वांट टू आस्क यू समथिंग। एक्चुअली छोड़ जान। ओके। शादी के नाम से इतना इमोशनल होके कंसर्निंग बाप बन जाता, ये वाला इमोशनल साइड मन्ना और हर्ष को क्यों नहीं दिखाता? तो चुपचाप मेरा काम कर। मैं शादी में जाऊं या ना जाऊं, उन सब के सामने आऊं या ना आऊं, लेकिन गलत घर में गलत लोगों के साथ मेरी बेटी नहीं जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड? इंडिया पहुंचते ही मुझे सारे डिटेल्स चाहिए। किसी को पता है कि तू वहां आ रहा है? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।